चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। हम घर में घुस के मारेंगे। हम घर में घुस के मारेंगे। दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। कब तक निर्दोष लोगों को मारने देंगे? दोस्तों बताइए मुझे, आपको हमारे देश की सेना पर भरोसा है? उनकी बातों पर भरोसा है? वो जो कहते हैं उस पर आप विश्वास करते हैं? सेना जो कहे उस पर मुझे विश्वास करना चाहिए? सेना जो कहे उसको मुझे मानना चाहिए? लेकिन कुछ लोग हैं जिनको सेना की बात भी पसंद नहीं थी। अरे मोदी की बात मत मानो भाई, मैं नहीं कहता हूं मेरी बात मानो, कम से कम सेना पर तो अविश्वास मत करो। उनके पराक्रम पर तो दाग मत लगाओ, वो जान की बाजी लगा करके खेलता है, वो देश के लिए मर मिटने के लिए निकलता है और सफल होकर के आता है, तो आपकी नींद खराब हो जा रही है। और मान लीजिए ये हमारे सेना के लोग गए थे, और मान लीजिए वहां कुछ हमारी योजना के हिसाब से ना हुआ होता और कुछ उल्टा हो गया होता, तो ये लोग क्या करते? क्या करते मुझे बताइए? किसका इस्तीफा मांगते? किसका इस्तीफा मांगते? क्यों भाई? मतलब राजनीति आप कर रहे हो? अब सफल हो गए तो चिल्ला रहे हैं कि मोदी ने तो आर्मी का नाम ही नहीं देना चाहिए, जय जवान जय किसान भी नहीं बोलना चाहिए। क्या देश की सेना के जवानों का गौरव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनका सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन इनके पेट में दर्द हो रहा है। अब ये कहते हैं ये तो चुनाव वाला खेल है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार की तब कहां चुनाव था भाई? ये हमारा सिद्धांत है, हम
घर में घुस के मारेंगे। गार्डियन बेहद क्रिटिकल है करंट गवर्नमेंट के, लेकिन अभी वो रिपोर्ट पब्लिश किया है। क्यों? इसका मतलब है कि चुनाव की बात है और इसके मतलब है कि किसको फायदा होगा, मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल से रूलिंग पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि रूलिंग पार्टी प्रोजेक्ट करना चाहता है हम भारत को का सुरक्षा के लिए जो कुछ करना है करेंगे, और ऐसा है तो बेचक रूलिंग पार्टी को फायदा होगा।